पानीपत में एक युवक से सरेआम दो बाइक सवार बदमाश मोबाइल छीनकर फरार हो गए। युवक ने काफी दूर तक बदमाशों का पीछा भी किया लेकिन उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहा। अपने साथ हुई स्नैचिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाने पीड़ित मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन जाता है लेकिन वहां उसे सिटी थाने में मामला दर्ज करवाने को कहा जाता है। और जब युवक अपने साथ घटित घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने सिटी थाना पहुंचता है तो वहां उसे जवाब मिलता है कि मोबाइल का बिल नहीं है तो मोबाइल कैसे तलाश करेंगे। हालांकि पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज युवक के पास थी जिसमें बदमाश युवक से मोबाइल छीनते साफ दिखाई दे रहे हैं। बावजूद इसके ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस के इस रवैये से हताश युवक ने अपने साथ हुई घटना की ऑनलाइन शिकायत की है। मोबाइल स्नैचिंग की पूरी वारदात एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसमें बदमाशों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं जिन्हें पुलिस आसानी से पकड़ सकती है। इसके बाद भी पुलिस का ऐसा बर्ताव असमंजस में डालता है। घटना वीरवार दोपहर संजय चौक वार्ड नंबर 20 पालीवाल गली की है जहां ब्लैक कलर की स्कूटी पर आए दो बदमाशों ने तेजी से युवक के हाथ से मोबाइल छीना और फरार हो गए। युवक ने बदमाशों का पीछा भी किया लेकिन स्नैचर तेजी से वहां से निकल गए। ये हैदराबादी के हॉस्पिटल के से आ रहा था और ऐसे टाइम देखने के लिए फोन निकाला था और किसी ने दो लड़के आई बाइक पे अच्छे खाते पीते अच्छे करके लग रहे थे और उन्होंने मेरे हाथ से फोन छीन लिया और वो इस लाल बत्ती की तरफ भागे और मैंने उन काफ़ी दूर तक उनका पीछा भी किया और पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वो पकड़ नहीं पाया उनको। किस चीज़ पे वो एक्टिवा थी जी ब्लैक कलर की। अच्छा। ब्लैक कलर की एक्टिवा थी और हल्की हल्की दो लड़कों ने दाढ़ी रख रखी थी। कहाँ तक भागे? एक ने पीछे वाले कैपबोर्ड रखी थी वो लाल बत्ती की तरफ भागे और मैं जीट रोड पर काफ़ी दूर तक उनके पीछे भागा हूँ। लोकल हैं जी यहीं के। मैं पुलिस में गया था जी वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोले कि आप वो ये नहीं है वो नहीं है वहाँ जाओ। फिर मैंने ऑनलाइन वो कंप्लेंट करी है जी। मैं पहले मॉडल टाउन चौकी में गया था जी। वो बोले यहाँ हमारा यहाँ आगन लगता और आप सिटी थाने में जाओ। मैं सिटी थाने में गया फिर उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे जाओ सिटी थाने में जाओ। वहाँ पे बोले कि आपके पास बिल नहीं है कैसे पिछाड़ेंगे उनको क्या है वो है। फिर मैंने ऑनलाइन रिपोर्ट कराई है जी और कुछ हुआ नहीं मेरे से। गरीब आदमी हो जी मेरा। फिर पालीवाल और जो पालीवाल की कॉलोनी का है जो मेन गेट है जी इस कॉलोनी में खड़े हैं। यहाँ इतनी गुंडागर्दी है यहाँ लड़कियों के लिए कोई सेफ नहीं है। यहाँ हर 10 कदम के ऊपर कोई लड़की या लड़का खड़ा होता है जो छेड़खानी करते रहते हैं समय की आते हैं किसी का मोबाइल खोज के ले जाते हैं और कोई पुलिस इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। रिपोर्ट प्रथम पहल का।